नमस्कार। आज हम बनाएंगे मसाला पूरी, जिसके लिए यहाँ पे कोई भी बड़ी प्लेट ले लें या परात ले लें। इसमें डालेंगे हम गेहूँ का आटा, सूजी डालेंगे, सूजी को मैंने हल्का सा पीस लिया था, बेसन डालेंगे यहाँ पे, अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट तैयार कर लिया था, एक टेबलस्पून ये डालेंगे, नमक डालेंगे यहाँ पर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा, अजवाइन, हींग डालेंगे। हींग से पूरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया की पत्ती काट के डाल देंगे, घी या ऑयल डाल देंगे एक टेबलस्पून। फिर सारी चीज़ों को यहाँ पर एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लेंगे हम एक कप हल्का सा गर्म पानी, यानी गुनगुना पानी, बिल्कुल हल्का गर्म पानी, और अपने आटे में डालते जाएंगे धीरे धीरे, और एकदम सेमी सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना है। ज़्यादा हार्ड आटा तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूजी है। इसे गूंदने के बाद हल्का सा इस पर घी ऑयल लगा देंगे और इसे हम थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया, अच्छे से बिल्कुल हमारा आटा तैयार है। तो हम इस आटे को एक बार फिर से गूंद के और एकदम स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर अपने आटे में से लोइयां तोड़ेंगे और उन्हें बिल्कुल एकदम स्मूथ बॉल की तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे चकला और बेलन। चकले और बेलन को भी हम ऑयल से एक बार ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हमारी पूरी है वो चिपके नहीं, क्योंकि हम पूरियों के लिए आटा नहीं डस्ट करते हैं, घी या ऑयल लगा लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके बिल्कुल हम इन्हें स्मूथ बना लेंगे और अपनी पूरियाँ बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से पूरियाँ बेल जाती हैं, बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनती हैं। ऐसे करके हम अपनी सारी की सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। हमने अपनी कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। पूरियों के लिए तेल जो होता है वो थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए, ताकि जब हम पूरियाँ डालें तो एकदम फूली फूली पूरियाँ हमारी तैयार हो। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी सारी की सारी पूरियाँ जो है बेल के तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अपनी पूरियाँ डालते जाएंगे और इन्हें अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इन पूरियों के लिए सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप अचार और चाय के साथ भी खा सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। ये देखिए कितनी क्रिस्पी पूरियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं और कितना अच्छा कलर आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी पूरियां बनती हैं।